बच्चों आज हम देखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट इम्पिरिकल फार्मूला। ठीक, तो इम्पिरिकल फार्मूला समझने के पहले हम सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की। ठीक, तो इम्पिरिकल फार्मूला समझने के पहले हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब पहले तो आप समझ लीजिए व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन एटम्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल है, एग्जाम्पल वाटर है, CO2 है, ग्लूकोज है, ये सब जो हैं दीज आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइंटिफिक स्टडी से हर मॉलिक्यूल में पता लगा लिया कि किस रेशो में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और उनके कितने कितने एटम एक मॉलिक्यूल में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये हमें पता है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हमने कहा कि बेंजीन, तो बेंजीन का फार्मूला हमें पता है कि C6H6, कार्बन 6 हाइड्रोजन 6। हमने कहा कि ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फार्मूला हमें पता है C6H12O6, ये हमें पता है। ठीक, अब मैं काम करता हूँ, सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? तो एम्पिरिकल फार्मूला इट शोज सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन मॉलिक्यूल। अब ये सिंपलेस्ट रेशियो का क्या मतलब है? देखो, जैसे फॉर द एग्जांपल मैं लेता हूँ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन जो है कंपाउंड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं MF से, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। ठीक है, अब इसमें अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो देखूँ तो ये रेशियो है 6:6, यानी कि एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स हैं, 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो ये रेशियो आएगा मेरे पास 1:1। क्या मैं इससे और सिंपल कर सकता हूँ? इसे नहीं कर सकता। तो ये रेशियो जो है 1:1, इसका कौन सा रेशियो हो जाएगा? सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो की क्या खासियत होगी कि इसमें नंबर जो है वो इंटीजर में होने चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि मैं डिवाइड करता हुआ 0 पॉइंट तक, मतलब डेसिमल तक ले आऊँ, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए डिजिट, कंप्लीट नंबर में होना चाहिए इंटीजर में। ठीक है, तो हमने सिंपल करते हुए 1:1 रेशियो लिख दिया। अब मैं ये कह सकता हूँ कि कार्बन 1 और हाइड्रोजन 1, यानी कि CH, दिस CH इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला, शॉर्ट में लिख रहा हूँ EF ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 और एम्पिरिकल फार्मूला CH होता है सिंपली। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का हमें पता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास C6H12O6। ये अपन समझ सकते हैं कि 6 कार्बन एटम होंगे, 12 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, 6 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। अगर मैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो लूँ इसमें तो वो आता है 6:12:6, ये रेशियो है। क्या हम इस रेशियो को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, किसी कॉमन नंबर से अपन डिवाइड कर दें जो जिससे सारे ये डिविजिबल है। तो अगर मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ 6 से, तो 1:2:1, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया 6 से डिवाइड करके। क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नो, क्योंकि अगर मैं इसको 2 से और डिवाइड कर दूं तो पॉइंट्स में आ जाएगा, तो हमें रुक जाना है यहीं पर। ये इसका ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया और इसके आधार पर मैं लिख दूं C1H2O1। अब ये क्या कहलाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। समझ गए बात को? तो हमें डिवाइड करते हुए उसको सिंपलेस्ट फॉर्म तक ले जाना है और जो हमें फार्मूला मिलेगा वो उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा। ठीक, अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक लिखा कि ए हाइड्रोकार्बन कंटेंट्स, मैंने लिखा कि ए हाइड्रोकार्बन कंटेंट्स, ठीक है, कार्बन परसेंट 80% एंड हाइड्रोजन परसेंट
इज इक्वल टू 20%। और ये कैसे ले रहा हूँ मैं, बाई मास ले रहा हूँ, ठीक है, बाई मास ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, दिस इज कॉल्ड एज परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। यानी कि हम क्या करते हैं, किसी कंपाउंड में जो जो एलिमेंट पड़े हुए हैं उनकी परसेंटेज बता देते हैं बाई मास। अगर हम बाई मास रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अब मुझसे पूछ लिया कि कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, मुझसे क्या पूछ लिया, कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, शॉर्ट में लिख देता हूँ EF, एम्पिरिकल फार्मूला बताइए। हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हमने कहा कि हमारे पास 100 ग्राम कंपाउंड है, 100 ग्राम कंपाउंड इज टेकन। इस कंपाउंड के दो पार्ट करता हूँ मैं, इसमें 80 ग्राम होगा कार्बन क्योंकि 80% था, और 20 ग्राम होगा हाइड्रोजन क्योंकि 20% था। अब आगे हम क्या करेंगे, हम इस ग्राम को मोल में चेंज करेंगे, मोलर मास कार्बन का 12 होता है, तो 80/12 इसके मोल कार्बन के आ गए। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से डिवाइड करके 20/3, ठीक है। मैं यहाँ हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है डिवाइड करूँ तो मोल हाइड्रोजन मेरे पास आ गए 20/1, ठीक है। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला तो हमें लिखना पड़ेगा मोल रेशियो। तो जो भी एलिमेंट है उनके मोल का रेशियो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ये मेरे मोल का रेशियो आया 20:3:20/1 आ गया भैया। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करता जाता हूँ, 20 से डिवाइड कर दूँ तो 1:3:1 आ गया, और आगे सिंप्लीफाई करूँ तो 1:3 आ गया। क्या हम आगे इससे आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ से इसका फार्मूला लिख दूँ C1H3 एंड दिस इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला। और अगर मैं इसका मास निकालूं, कार्बन होता है 12, हाइड्रोजन होता है 1, तो ये मिलाकर 15 हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, इसका एम्पिरिकल मास। तो हमारे पास जैसे मोलिकुलर फार्मूला होता है वैसे एम्पिरिकल फार्मूला होता है, मोलिकुलर मास होता है वैसे एम्पिरिकल मास होता है। डिफरेंस क्या है, मोलिकुलर फार्मूले में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला में सिंपलेस्ट रेशियो में एटम्स होते हैं, ठीक है। और वो कैसे निकालते हैं कि हम अगर हमारे पास एलिमेंट्स का मास दिया हुआ है तो हम उसको मोल में कन्वर्ट करते हैं, और मोल के रेशियो को सिंप्लीफाई करते हुए जो सबसे सिंपल रेशियो आएगा वहाँ तक ले जाएंगे, और उसके आधार पर लिख देंगे हम एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक।